माननीय श्री अमृता देवी अग्रहरी समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य अहिले बस्नुस् बस्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा करके सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपको आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। इस तरह भाषा में बोलने वाले महोदय, यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए, और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए। सभामुख महोदय, यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, किसी भी बात का एक सीमा होता है, सीमा से बढ़ करके आवाज उठाया जा रहा, अपमान किया जा रहा है। हिंदी में जो बोलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपके कार्य व्यवस्था के तहत शुरू में हम लोगों ने जब शपथ ग्रहण लिया था उस समय पूछा गया था कि आप किस भाषा में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोगों ने अपना अपना उद्देश्य के तहत जिसमें हमको सरलता होती है, हिंदी में भी जिसको जो अपना सहज होता था उस अनुसार हम लोगों ने लिखित दिया था, और हिंदी में हम लोग बोलने के लिए शपथ ग्रहण लिया, और हिंदी में बोलने के लिए इस तरीके से हमारे ऊपर जो है छींटाकसी होता है, अपमान होता है। हम ये कहना चाहते हैं सभामुख महोदय कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कोई ब्रिटिश का नागरिक नहीं होता। जिस भाषा को जिसको सरलता होती है उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सभामुख महोदय, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस सदन से कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो मदेशिया है, क्योंकि मदेश ही देश के चारों तरफ, तीन तरफ मदेशी का बसोबास है, जहाँ पे आज तक एक इंच भी जग्गा मदेशियों के रखवाली के तहत किसी में हिम्मत नहीं हुआ, समय सकियो टुंग्याउनु, जो आकर के आक्रमण कर सके। लेकिन आज जो सीमा को लेकर बात उठ रही है सभामुख महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कागज के टुकड़ा में, कागज का जो नक्शा है उसमें कोर देने से हमारे नेपाल का जगह फिरता आने वाला नहीं है। आप कोर लीजिए नैनीताल, आप कोर लीजिए हरिद्वार, आप कोर लीजिए खटमाया और पिथौरागढ़, जहां भी कोर लीजिए, उससे हमें नहीं मिलने वाला है। और भारत के लोग भी अपने नक्शा में काठमांडू और पोखरा अपने नक्शा में कोर ले, उससे भारत को भी नहीं मिलने वाला है। यदि जाने अनजाने में पहाड़ी शासकों ने जग्गा को बेचा है तो उसको वार्ता के टेबल के माध्यम से हमें वापस लाना चाहिए। सभामुख महोदय, जगह बेच करके और नौटंकी करने से जग्गा वापस नहीं आता है। इसके लिए कूटनीतिक वार्ता के टेबल पे बैठिए और जग्गा को वापस लाइए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं इस देश के शासक लोग, तो कुर्सी से राजीनामा दे, कुर्सी छोड़ दे, मदेशिया उस कुर्सी पे बैठ करके और देश को वापस लाएगा। यदि वाकई हमारा देश, हमारे देश के भूभाग आक्रमण हुआ है तो
मैं इतना ही कह करके आप लोगों के समक्ष एक शब्द और कह देना चाहती हूँ। नागरिकता के विषय में भी हमारे माननीय जी ने आवाज उठाया कि एक सांसद के पास दो नागरिकता है। मैं कहती हूँ नागरिक